नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुए काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन लगता है कि इसी के साथ शायद अब खतरे की घंटी ने भी बजना शुरू कर दिया है। अब से 6 साल पहले केदारनाथ धाम में आई आपदा आज भी लोगों की आंखें नम कर देती है, एक सिरहन पैदा कर देती है। केदारनाथ में त्राही त्राही मचने के बाद कड़ी मेहनत से प्रशासन ने केदारनाथ घाटी को पुनर्जीवित किया, लेकिन 6 साल बाद उस त्रासदी की असली वजह चोराबाड़ी झील के दोबारा जीवित होने का दावा लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें कि इन खबरों के सामने आने के बाद डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ फोर्स की एक टीम ने चोराबाड़ी ताल का दौरा किया और झील होने से इनकार कर दिया है। आपको याद ना हो तो बता दें कि साल 2013 में चोराबाड़ी झील के टूटने से ही केदारनाथ में आई उस जल प्रलय का वेग इतना ज्यादा भयानक था कि केदार घाटी और इसके आसपास मौजूद कई मंजिला होटल गेस्ट हाउस पलक झपकते ही बिखर कर पानी में बह गए थे। बताया गया है कि केदारनाथ घाटी में विनाश मचने के बाद से ही ये झील लगभग गायब हो चुकी थी और सिर्फ एक समतल भूमि की तरह इसको देखा जा रहा था, लेकिन अब एक बार फिर ये झील रूह कपा देने वाली खबर को लेकर सामने आई है। दरअसल कुछ दिनों पहले केदारनाथ धाम में स्वास्थ्य कैंप चल रहा था, जहां डॉक्टरों ने धाम से करीब 5 किलोमीटर ऊपर ग्लेशियर में बनी एक झील को चोराबाड़ी झील होने का दावा किया। हालांकि इस झील की जानकारी जब वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों को दी गई तो वैज्ञानिकों की टीम तुरंत एक्शन में आ गई। बताया जा रहा है कि चोराबाड़ी झील करीब 250 मीटर लंबी और 150 मीटर चौड़ी है। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि चोराबाड़ी झील अभी विकसित नहीं हुई है। जाहिर है 2013 में आई विनाशकारी आपदा के बाद ये झील पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और वहां पर सिर्फ एक प्लेन सरफेस देखने को मिला, जिसके बाद इस बात का सवाल ही नहीं उठता कि वहां वो झील दोबारा से एक्टिव हो जाए। आपको बता दें कि डॉक्टरों की टीम ने 16 जून को राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, जिला प्रशासन, पुलिस और डॉक्टरों की टीम के साथ चोराबाड़ी झील का दौरा किया था, जिसके बाद उन्होंने दावा किया कि झील दोबारा पानी से भर गई है। चोराबाड़ी झील, जिसकी वजह से साल 2013 में केदारनाथ घाटी तहस नहस हुई, वो धाम से 2 किलोमीटर ऊपर मौजूद थी, लेकिन हाल ही में जो देखी गई झील है वो धाम से 5 किलोमीटर ऊपर मौजूद है, जो कि ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। परेशानी की बात यह है कि केदारनाथ वासियों का कहना है कि प्रशासन एक बार फिर से इस मसले को गंभीरता से नहीं ले रहा है, काफी ढील दे रहा है। उनका कहना है कि ग्लेशियर में झील का बनना आम बात है, लेकिन अगर इस बार कुछ गंभीर हुआ तो ये पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अमर उजाला की रिपोर्ट का जिक्र करें तो बता दें कि उस रिपोर्ट के मुताबिक केदारनाथ से ऊपर झील बनने की खबर मिलने के बाद DDRF की टीम ने भी सर्वे किया। DDRF ने चोराबाड़ी में किसी भी तरह की झील बनने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि ताल क्षेत्र में कोई झील नहीं बन रही है। डॉक्टरों ने जिस झील का जिक्र किया है वो ग्लेशियर क्षेत्र में है। केदारनाथ को चोराबाड़ी से कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर इस पर फिर से रिसर्च की गई और कोई खतरा निकला तो शायद ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा। फिलहाल इस मुद्दे से जुड़ी हर एक अपडेट को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फर्स्ट बाइट टीवी को। नमस्कार।